दादो में पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी की जानिब से यूथ एंड वॉलंटियर्स के इंडोकेशन ओरिएंटेशन सेशन डिस्ट्रिक्ट ब्रांच में मुनाकिद किया गया। सेशन में डिप्टी डायरेक्टर यूथ एंड वॉलंटियर मिसबा, यूथ एंड वॉलंटियर अफसर अदनान और कामरान ने शिरकत की। सेशन में यूथ एंड वॉलंटियर्स को पाकिस्तान रेड क्रिसेंट की पॉलिसीज के बारे में तफसीली आगाही दी गई। वॉलंटियर्स से उनसे फील्ड में दरपेश मसाइल भी सुने गए और उनके जारी काम को भी सराहा गया। सेशन में डिप्टी डायरेक्टर मैडम मिसबा ने कहा कि हम कोशिशाहे हैं कि वॉलंटियर्स की हेल्थ इंश्योरेंस जारी करें, जो कि जल्द होना है। उन्होंने मजीद कहा कि अब तमाम कम्युनिटी में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, जो काबिल तारीफ हैं। अभी इस टाइम का जो मेन या इस टाइम का जो फोकस एरिया होता है, क्लाइमेट चेंज है। सो क्लाइमेट चाहे वो हेल्थ से लिंक करता हो, चाहे वो आपके अदर क्लाइमेट जनरल क्लाइमेट चेंज को अगर आप देख रहे हैं, उससे रिलेटेड आपके पास कुछ भी आइडियाज और अपनी कम्युनिटीज के अंदर कोई इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट फेज अभी उनका स्टार्ट हुआ है और 25th लास्ट डेट है, तो आपके पास कुछ स्मॉल प्रपोजल हैं तो आप वो सबमिट कर सकते हैं। कामरान आपको उसके बारे में मजीद डिटेल्स भी बता देते हैं। उसमें इनिशियली आपका उस फंडिंग्स को सिक्योर करने के लिए आपको नेशनल सोसाइटी का वॉलंटियर होना इम्पॉर्टेंट है। प्लस आपके पास एक सॉलिड आइडिया होना चाहिए कि क्या आप प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इनिशियली फंडिंग 1.5 लाख की है और उसके बाद उसके डिफरेंट फेजेस हैं। सेकेंड फेज के अंदर आपको 5 to 6 lakh की फंडिंग्स मिलती हैं और फिर थर्ड फेज के अंदर आपको 13 से 15 लाख की फंडिंग्स मिलती है। सो अगर आप लोग करना चाह रहे हो, लीड करना चाह रहे हो अपने प्रोजेक्ट्स को, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज भी आप टेक हो जाओ। वॉलंटियर वॉलंटियर रेड क्रॉस रेड क्रिसेंट का पेज है, फेसबुक से आप यूज़ करते होंगे, ठीक है। इस ग्रुप को ज्वाइन करो ग्लोबली 70